सैनिक दयाचंद और वासु दोनों ही बहुत घबरा रहे थे और चंद्रा के सैनिक वासु की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। तभी वासु की मदद करने वाले सैनिक दयाचंद ने चंद्रा के सैनिकों को रोका और कहा, अरे आप लोग आगे कहां जा रहे हैं? इधर तो कोई भी नहीं है, यहां तो बस वो शिवेंद्री कैद है। मैं तो उसी को देखने आया था कि कहीं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है या फिर कोई चुपचाप शिवेंद्र से मिलने तो नहीं आ रहा है। चंद्रा के सैनिक को दयाचंद की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी भी वहां पर कोई मौजूद था और इस समय वासु के अलावा वहां कोई और मौजूद हो भी नहीं सकता था। चंद्रा के सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दयाचंद को डांटते हुए कहा, तुम्हें झूठ बोलने की सजा पता है ना दयाचंद? राजा चंद्रा से गद्दारी करना और झूठ बोलना, दोनों की सजा बराबर है। सैनिक दयाचंद थोड़ा सा सहम गया और बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो सच कह रहा हूं, उधर कोई भी नहीं है। आप चलिए, मैं एक बार फिर से सब कुछ जांच कर आता हूं। उधर दीवार के पीछे छुपे हुए वासु को बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। वासु और राजा शिवेंद्र भगवान से यही विनती कर रहे थे कि बस किसी भी तरह चंद्रा के सैनिक यहां से चले जाएं, क्योंकि अगर चंद्रा के सैनिक कारावास तक आए तो वो वासु को फिर ढूंढी लेंगे। तभी चंद्रा के सैनिक में से एक सैनिक ने दयाचंद से कहा, तू हट रास्ते से, हम खुद वहां जाकर पड़ताल करेंगे कि वहां पर कोई और है या नहीं है। चंद्रा के सैनिकों ने अपनी तलवार निकाली और कारावास की ओर बढ़ने लगे, और वो जितना ही कारावास के नजदीक जा रहे थे वासु और राजा शिवेंद्र की धड़कन उतनी ही तेज होती जा रही थी। वहीं सैनिक दयाचंद के हाथ पैर भी कांपने लगे थे। तभी सैनिक दयाचंद ने मन में कहा, मुझे राजकुमार वासु का साथ देना होगा। राजा शिवेंद्र और राजकुमार वासु की इस राज्य को बेहद जरूरत है, और अगर उनको कुछ हुआ तो इंद्रपुरम राज्य और राज्य के लोगों की कोई नहीं सुनेगा। सैनिक दयाचंद ने मन बना लिया था कि वो वासु को बचा कर ही रहेगा। जैसे ही चंद्रा के सैनिक वासु के करीब पहुंचने वाले थे, सैनिक दयाचंद ने भी अपनी तलवार निकाली और उनके सामने जाकर खड़ा होकर बोला, अगर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ध्यान रहे, मैं उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सब देखकर चंद्रा के सैनिक डर गए और उन्होंने कहा, अरे ये तुम्हें अचानक क्या हो गया दयाचंद? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अगर वक्त से पहले अपनी मौत नहीं चाहते हो तो हट जाओ रास्ते से। सैनिक दयाचंद इंद्रपुरम राज्य को चंद्रा से मुक्त कराने के लिए और अपने राजा शिवेंद्र और राजकुमार वासु के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। दयाचंद ने वासु से कहा, राजकुमार वासु, आप यहां से निकल जाइए, चंद्रा के ये सैनिक आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं इन लोगों को रोक कर रखूंगा। वासु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए, लेकिन सैनिक दयाचंद ने फिर से जोर देते हुए कहा, राजकुमार वासु, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अपने बारे में सोचिए, इस राज्य को आपकी जरूरत है, जल्दी से यहां से निकल जाइए, ये लोग मेरे होते हुए आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वासु अब चंद्रा के सैनिकों के सामने था और चंद्रा के सैनिक वासु को पकड़ने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन दयाचंद की तलवार के कारण चंद्रा के सैनिक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाते तो दयाचंद उन सैनिकों को खत्म कर सकता था। वासु ने दयाचंद से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था दयाचंद कि मैं तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा, फिर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता हूं? दयाचंद ने वासु की तरफ देखा और बोला, राजकुमार वासु, आप उस वादे को मेरे कहने पर तोड़ दीजिए और जल्दी से यहां से चले जाइए। आज मेरी जान भी चली जाए फिर भी आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, आप बस इंद्रपुरम राज्य को चंद्रा से आजाद करा दीजिए। वासु जा ही रहा था कि तभी चंद्रा के सैनिक वासु को पकड़ने के लिए दौड़े और दयानंद चंद्रा के सैनिकों के सामने आ गया। सैनिकों ने दयाचंद से तलवारबाजी करनी शुरू की और कुछ देर लड़ने के बाद चंद्रा के सैनिकों ने दयाचंद की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जैसे ही राजा शिवेंद्र ने यह सब देखा, उन्होंने अपना मुंह पीछे घुमा लिया, वो दयाचंद की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उधर दौड़कर महल से बाहर की तरफ जाते हुए वासु को भी एहसास हो गया था कि दयाचंद की जान जा चुकी थी, लेकिन वासु दौड़ता रहा और उसके कान में दयाचंद की सिर्फ वही बात गूंज रही थी कि इंद्रपुरम को चंद्रा के कब्जे से आजाद कराना है। वासु जल्दी से राजमहल से बाहर जाना चाहता था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं वासु के पीछे पीछे चंद्रा के सैनिक भी आ रहे थे, लेकिन किसी तरह से सबसे बचते हुए वासु राजमहल के बाहर आ गया था। राजमहल में हड़कंप मच चुका था
और जब ये बात चंद्रा को पता चली तो वो भी आग बबूला हो गया और बोला, तुम सब निकम्मे हो और मुझे तुम में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्या पता कब तुम लोग मेरे से दगाबाजी कर जाओ, कोई भरोसा नहीं है इसका। चंद्रा ने गुस्से में आकर उन सैनिकों को कारावास में डालने की सजा दे दी जो वासु को पकड़ नहीं पाए थे। उधर मृदुल सेन की मदद से अब अरुणोदय सिंह ने चंद्रा के कई सैनिकों को खत्म कर दिया था और अब वो राजमहल की तरफ कब्जा करने के लिए बढ़ रहे थे। अरुणोदय सिंह ने राजा मृदुल सेन से कहा, लगता है ये चंद्रा हमसे डर कर कहीं छुप कर बैठ गया है और डर के कारण हमारे सामने भी नहीं आ रहा है। मृदुल सेन ने अरुणोदय सिंह को चेतावनी देते हुए कहा, इस चंद्रा से हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा क्योंकि ये बेईमानों में से भी बेईमान है। कभी ये बेईमानी पर उतर आए और छल पर उतर आए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसने सत्ता के लिए अपने बाप से छल किया वो हमसे न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ध्यान रहे कि ये छली और कपटी लोग सिर्फ छल करके ही जीतना जानते हैं। मैदान में उतर कर युद्ध करके जीतना इनके बस की बात नहीं है। तभी चंद्रा को एक सैनिक ने आकर सूचना दी, युवराज अब हमारी सेना नाकाम होती जा रही है क्योंकि अरुणोदय के सैनिकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर आप अभी भी चुप रहे तो फिर। चंद्रा ने सैनिक की तरफ घूर कर देखा और गुस्से में बोला, फिर क्या? तुम्हें क्या लगता है वो हमारे राज्य इंद्रपुरम पर कब्जा कर लेंगे? क्या लगता है वो मेरा ये ताज मुझसे छीन लेंगे? मेरा ये सिंहासन मुझसे छीन लेंगे वो? गुस्से में चंद्रा अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा था और सैनिक सिर को झुकाए बस सुन रहा था। चंद्रा ने सिंहासन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सिंहासन सिर्फ मेरा है और इस पर अगर कोई नजर भी घुमाएगा ना तो मैं उसका ऐसा हाल करूंगा जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह अरुणोदय सिंह और मृदुल सेन जैसा राजा मेरे सामने कुछ नहीं है। मुझे असल खतरा तो उस वासु से लगता है जो मेरे चंगुल से भाग निकला है। चंद्रा अपनी बात कहे जा रहा था तभी सेनापति ने राजा चंद्रा को टोकते हुए कहा, फिर भी राजा साहब अब हमें इस बारे में सोचना होगा। दुश्मन हमारे राज्य के बिल्कुल नजदीक है और हमारी सेना को घेर कर उन्हें मार रहे हैं। अगर अब हमने पूरी तैयारी के साथ वार नहीं किया तो दुश्मन कब अंदर आ जाएगा और कब सिंहासन पर बैठ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चंद्रा की आंखें इस समय सुर्ख लाल थी। ऐसा लग रहा था उसने खूब शराब पी रखी हो, लेकिन असल में उसे कोई नशा नहीं था बल्कि गुस्सा था कि कोई कैसे उसके सिंहासन की तरफ नजर डाल सकता था। चंद्रा ने गुस्से में आकर कहा, हमने जितनी भी तैयारी की है अब उसे दिखाने का वक्त आ गया है, इन सब पर हमला करो। चंद्रा के कहने मात्र से ही सैनिकों की बड़ी से बड़ी टुकड़ी राजमहल से बाहर जाने लगी। हर तरफ चंद्रा के सैनिक थे और जो अपने हाथों में भाला तलवार तीर कमान लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। चंद्रा ने अपने सैनिकों के हाथों में कुछ ऐसे जादुई हथियार भी देखे थे कि वो हथियार यदि किसी इंसान को छू ले तो इंसान का शरीर दो भागों में बट जाता था। लगातार सैनिक पर सैनिक अरुणोदय सिंह और उसकी सेना की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे मृदुल सेन ने ये देखा वो चौंक गया और अपने सेनापति से बोला, लगता है इस चंद्रा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब इसके गुस्से से कोई भी बच नहीं पाएगा। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो इतनी बड़ी सेना के आगे हम ऐसे मारे जाएंगे कि हमारा शरीर क्या, हमारे शरीर के चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। सेनापति ने मृदुल सेन की ओर देखा और कहा, फिर ये अरुणोदय सिंह अकेला कैसे लड़ेगा? हम उसे बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम कैसे उसका बाद में जवाब देंगे? मृदुल सेन ने डरते हुए कहा, अरुणोदय जब बचेगा तब तो हम उसे जवाब देंगे। अब चंद्रा के क्रोध से उसे कोई नहीं बचा पाएगा और उसकी मौत निश्चित है। जब मृदुल सेन और उसकी सेना वहां से वापस जाने लगी तो अरुणोदय सिंह को कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ जहां वो जीत की खुशी मना रहा था वहीं अब वो खुद चारों तरफ से घिर चुका था और अब ऐसे समय में मृदुल सेन भी अरुणोदय को छोड़कर जा रहा था। अरुणोदय सिंह ने मृदुल सेन से कहा, तुम तो मुसीबत देखकर भाग रहे हो। जब तक तुम्हें लग रहा था कि तुम इंद्रपुरम राज्य को जीत सकते हो तब तक साथ थे और अब मुंह छिपाकर भाग रहे हो। मृदुल सेन ने अरुणोदय सिंह से जाते जाते कहा, मैं तो कहता हूँ तुम भी होश संभालो और हो सके तो यहाँ से भाग लो क्योंकि अब तुम्हारे जिंदा रहने की संभावना शून्य के बराबर है। मृदुल सेन अपनी बात कहकर वहां से चला गया, लेकिन अरुणोदय सिंह अभी भी अपने घमंड में था और उसे उम्मीद थी कि वो इंद्रपुरम पर कब्जा पा लेगा। उधर वासु ने देखा कि चंद्रा अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार था। तभी वासु ने कहा,
पिताजी के अनुसार मुझे अब जल्द से जल्द ऋषि सुसेन के पास जाना होगा और वही इसका कुछ हल निकाल पाएंगे। वासु वहां से जल्दी जल्दी जाने लगा और उसे जितनी जल्दी हो सके राज्य के अंतिम छोर तक पहुंचना था, जहां पर ऋषि सुसेन एक कुटिया में रहते थे। रास्ते में वासु जब ऋषि से मिलने के लिए जा रहा था तो प्रजा के लोग उसे बड़ी ही गंदी नजर से देख रहे थे। हर कोई राज्य में हो रहे युद्ध के लिए वासु को ही दोषी मान रहे थे। हर किसी के दिल में वासु को लेकर नफरत थी। वासु उन लोगों की बात सुन रहा था, लेकिन उनकी किसी भी बात को लेकर उसने जवाब नहीं दिया। उधर राजा चंद्रा के युद्ध में शामिल होते ही अरुणोदय सिंह के लगभग सभी सैनिक मारे जा चुके थे। चंद्रा के सैनिकों ने अरुणोदय सिंह के सैनिकों को सब्जी की तरह काट डाला था और ये सब देखकर अरुणोदय सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। तभी चंद्रा ने अरुणोदय सिंह से कहा, देख लिया मुझसे युद्ध करने का परिणाम? तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारे लोग तुम्हारे सामने ढेर हैं। अब मरने की बारी तुम्हारी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस वासु को यहाँ बुलाना होगा जो युद्ध के डर के कारण कहीं जाकर छुप गया है। आज मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरुणोदय सिंह ये देखकर चौंक गया था कि वासु अपने भाई चंद्रा के साथ नहीं मिला था और चंद्रा अभी भी वासु की जान का प्यासा था। अब अरुणोदय सिंह को एहसास हुआ और उसने मन में कहा, मैंने ये क्या कर दिया? एक छोटी सी गलतफहमी के कारण आज ये क्या हो गया? मैंने बगैर सोचे समझे अपने मन में वासु के लिए गलत बातें सोच ली थी। आज इस गलतफहमी के कारण मौत मेरे सामने खड़ी है। काश मैंने वासु पर भरोसा कर लिया होता। अरुणोदय सिंह की जान बस कुछ ही समय में जा सकती थी। कभी भी चंद्रा अरुणोदय सिंह को मार सकता था। डर के कारण अरुणोदय सिंह का बुरा हाल था। और तभी चंद्रा ने कहा, मेरे डर के कारण वासु तुम्हें इस युद्ध में अकेला छोड़कर भाग गया। अरुणोदय, उसे पता था अगर मैं युद्ध में उतरा तो फिर वो सब मरेंगे जो युद्ध में शामिल हैं। अब अगर तुम वासु को बुलाना चाहते हो तो बुला लो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वासु चंद्रा से अरुणोदय को बचा पाएगा? आखिर ऋषि सुसेन वासु की किस तरह से मदद करेंगे? क्या अरुणोदय सिंह की जान चली जाएगी? क्या वासु वापस लौट कर आएगा? आखिर बगैर सेना के चंद्रा से वासु कैसे लड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पॉकेट एफ।